दोस्तों बताऊंगा न्यू बीएसएस मॉडल फोल्ड फिगो टाइटेनियम 1.5 TDCI जो आज भारत में लॉन्च हो गई 2021 मॉडल, और इसकी एसी सीरीज ये डीजल में है और इसकी एसी सीरीज सवारियों सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है। मैं नई दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ जो है 9,02,881 रुपये। और दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाएं, बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती है। दोस्तों मेरा एक और चैनल है जो खेत क्रिकेट के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं क्रिकेट की कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। और ये काफ़ी शानदार सामने पर बात करें तो दो वाइपर मिल जाते हैं, वाशर मिल जाता है, फोर्ड का लोगो मिल जाता है फोर्ड का, और हेडलैम्प मिल जाता है, एंडीलेटर के लिए मिल जाता है DRL LED के साथ, और फॉग लैम्प मिल जाता है, और गिल काफ़ी शानदार मिल जाती है, फोर्ड का लोगो मिल जाता है, और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे डम ब्रेक मिल जाता है, और चारों टायर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो 175/65R14 और रियल का भी 175/65R14 चारों टायर की सेम रहती है, मगर ट्यूबलेस टायर आते हैं, चारों ट्यूब वाले नहीं आते, और काफ़ी शानदार है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। और ये पांच कलर में है, और ये है 1499 CC की। इंजन टाइप की बात करें तो TDCI डीजल इंजन मिल जाता है, अधिकतम पावर इसमें 98.96 BHP और 3750 RPM मिल जाती है, अधिकतम टॉर्च इसमें 215 Nm और 1750 से लेकर 2500 RPM मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या इसमें चार मिल जाती है, वर्ल प्रति सिलेंडर की संख्या इसमें चार मिल जाती है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम CIGI मिल जाता है, टर्बो चार्जर मिल जाता है, सुपर चार्जर है, पता कन्वेंशन का प्रकार मैनुअल मिल जाता है, पाँच गियर की है, और माइलेज लगभग ये 24 से 25 किलोमीटर एयरवेज दे सकती है, और ये डीजल में है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 40 लीटर आप फ्यूल भर सकते हैं BSS मॉडल। और इसकी लंबाई की बात करें तो 3941 mm मिल जाती है, चौड़ाई इसकी 1704 mm मिल जाती है, ऊंचाई इसकी 1525 mm मिल जाती है, 5 सीटर की है। व्हील बेस इसमें 2490 mm मिल जाता है, राउंड कंडीशन इसमें 1056 और 1067 किलोग्राम मिल जाता है, दौड़ की संख्या इसमें 5 मिल जाती है। अंदर साइड बात करें तो पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, एयर कंडीशन, हीटर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, पूरे स्विच मिल जाते हैं फीचर, और स्टेयरिंग पास फोल्ड का लोगो मिल जाता है, और हेडलैम्प के लिए, वाइपर के लिए, वाशर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, और ड्राइवर सीट दोनों में पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, वाइपर के लिए ग्लास डाउन करने के लिए मिल जाता है, और 1 लीटर वाटर होल्डर, साउंड सिस्टम, थोड़ी और स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे पार्किंग सेंसर के लिए मिल जाता है, साउंड सिस्टम के लिए मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम के लिए, एसी कंट्रोल के लिए मिल जाता है अप डाउन करने के लिए, और 12 वोल्ट चार्जर मिल जाता है जिसमें आप USB इनपुट करवा सकते हैं, USB इनपुट भी मिल जाता है, और वहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है। गियर बॉक्स के पास हैंड ब्रेक मिल जाता है, सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल, दो एयर ब्रेक मिल जाते हैं, पैसेंजर एयर ब्रेक और ड्राइवर एयर ब्रेक मिल जाता है, और वहाँ पे सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल, थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और LED में लाइटें मिल जाती है, इसमें सनरूफ नहीं मिल पाता, मून रूफ भी नहीं पाता, रूफ कैरियर भी नहीं मिल पाता, और रंगीन ग्लास नहीं मिल पाता, पावर इंटीना मिल जाता है, अलाव व्हील काफ़ी शानदार मिल जाता है, और रूफ रेल भी नहीं पाता, सनरूफ भी नहीं पाता, रूफ कैरियर भी नहीं मिल पाता, क्रोम मिल जाता है इसमें, और काफ़ी शानदार फीचर। और पीछे सीट की बात करें तो वहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, और बैठने के बाद थोड़ी स्पेस मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी है, ड्राइवर सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, और पूरे चारों तरफ LED में लाइटें मिल जाती हैं, डोर में ग्लास ऑन करने के लिए मिल जाता है, पीछे साइड के डोर में उसमें 1 लीटर वाटर होल्डर नहीं मिल पाता, और साउंड सिस्टम के लिए मिल जाता है, ग्लास ऑन कर पावर लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, और सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल, काफ़ी शानदार है ये फोर्ड फिगो। और पीछे साइड बात करें तो एक वाइपर मिल जाता है, वाशर मिल जाता है, टेल लाइट काफ़ी शानदार मिल जाती है, और एक वाइपर, वाशर और फोर्ड का लोगो मिल जाता है, फिगो की बेजी मिल जाती है, टाइटेनियम की बेजी मिल जाती है, 1.5
TDCI की बैजी मिल जाती है, पार्किंग सेंसर मिल जाता है और तेल लाइट काफ़ी शानदार मिल जाती है और देखने में काफ़ी शानदार। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।